जय हिंद एवरीवन। और मैं अभी अभी मतलब कॉन्फ्रेंस आउट होके आया था, तो मैंने सोचा कि 21 SSB का जो GPE है, GPE सब लोग जानते होंगे जो SSB देने जा रहे हैं। अगर कोई नहीं जानता तो उनके लिए पहले ही बता दूं, ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। तो जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये इमेज मतलब एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के तहत हमें वहाँ पे दिखाई गई थी। तो एज इट इज, सेम एज इट इज इमेज आपको वहां मिलेंगी, जैसे कुछ जगह के नाम, जैसे यहाँ पे मैं रायसा विलेज लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे राम विलेज लिखा है, बस इन दो के नाम वहां पे कुछ और होंगे, बाकी सब यहाँ ये रिजर्व फॉरेस्ट, काली विलेज, फेरी पॉइंट रिवर, बीजापुर, रामपुर, ये सारे के सारे सेम मिलेंगे आपको अगर आप जाते हो, और सेम आपको यही GPE दिखाई जाती है। तो मैंने दिमाग में एकदम फ्रेश था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दिया जाए कि GPE मतलब इसमें क्या था, क्या सिचुएशन थी। तो मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया था, बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहोगे, तो उस हिसाब से आप इसे सॉल्व करना और मुझे बताना कमेंट में ज़रूर कि आपने कैसे इसे सॉल्व किया, और क्या क्या आपने रिसोर्सेज लिए, कैसे आपने जो इनके लाइक ये ग्रुप्स हैं उन्हें डिवाइड किया था। ओके, सो आगे चलते हैं कि हमारा ये सॉल्व मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या थे। तो जैसे यू आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें बोला गया था कि जैसे तुम 8 हो इस ग्रुप में, तो तुम 8 लोग हो, ठीक है। तो मैं अगर तुम जितने भी उतने चाहे उतने एज्यूम कर सकते हो, मोस्टली 8 ही का ग्रुप बनता है, तो इसलिए कह रहा हूँ 8 मान के चलना। सो यू आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम रामपुर इन अ मिनी वैन गोइंग टू बीजापुर फॉर अ मीटिंग एट 10 AM। एट जंक्शन यू सॉ मैन ऑन मोटरसाइकिल कमिंग फ्रॉम माली। ही स्टॉप द वैन, सेड अ किड ऑफ हाइट 4 feet स्टक इन अ मार्शी वेल इन राम विलेज एंड इज सिंकिंग 6 inch per 30 minutes। तो देख लो यहाँ पे एक थोड़ा कैलकुलेशन भी आपको लगाना पड़ेगा कि 4 feet का एक बच्चा है जो 30 मिनट में 6 inch सिंक हो रहा है। द विलेजर ऑफ राम विलेज गॉन टू माली फॉर फंक्शन वाइल लिसनिंग टू द मैन द हेल्पर एट द टी स्टॉल बाई मिस्टेक स्पिल्ड द यूटेंसिल फिल्ड विथ टी ऑन हिज स्टमक एंड गॉट मेजर बर्न। As the group was getting ready to save boy and the helper on and the helper, one old lady came to them and said to pass his parcel to the kid at Kali Reserve Forest. She also told few goons are planning to kill Sarpanch at Raisa village by flipping the boat, which Sarpanch would be which Sarpanch would be taking from Ferry Point at 8 AM. The time here is 7:30 AM and due to weather condition, no telephone is available. तो अगर आप चाहो तो 2 मिनट पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, 10 मिनट का टाइम ले लो कि ये चीज पूरी सॉल्यूशन है क्या, रिसोर्सेस क्या क्या है, तुम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये सब तुम अच्छे से पॉज करके 1 मिनट क्या 10 मिनट आराम से देख लो। तो मैं तुम्हें मैप पे थोड़ा समझा देता हूँ। देखो तुम यहाँ रामपुर विलेज से क्या कर रहे हो, आ रहे हो, और तुम जैसे यहाँ टी स्टॉल जंक्शन लिखा ना, यू मेट, देखो यहाँ लिखा है मिनिवैन गोइंग टू बीजापुर मीटिंग एट जंक्शन यू सॉ, है ना। तो यहाँ रामपुर से आ रहे हो जो कि इस पॉइंट से, इस लाइन से 30 किलोमीटर दूर है। तो तुम यहाँ मिनी वैन में तुमने यहाँ कोने पे आके रुके चाय वाय पीने नाश्ता करने के, तब तक मतलब रोके क्या, तुम यहाँ से जाते तब तक तुमने देखा एक बंदा यहाँ से इस रामपुर विलेज के पास से जो कि माली विलेज की रोड पर पड़ता है, यहाँ से आता हुआ तुम्हें टी स्टॉल पे तुम्हारी वैन को रोक देता है। तुम पूछते हो भाई क्या दिक्कत है, तो वो कहता है कि यहाँ राम विलेज में एक मार्शी वैल है, वहाँ पे एक 4 फुट का बच्चा फंस गया है और हर आधे घंटे में 6 इंच घुस रहा है। वो राम विलेज के जितने भी लोग हैं वो कहाँ जा रखे हैं, माली जा रखे हैं अपने फंक्शन को इंजॉय करने के लिए, तो कोई भी विलेज में एक भी आदमी नहीं है। और उसके बाद जैसे वो ये सब बात सुन रहे होते हैं, ग्रुप जो ये बात सुन रहा, तब तक एक बूढ़ी औरत आती है टी स्टॉल के पास में और कहती है उसका एक बेटा है जो कि काली रिजर्व फॉरेस्ट में गया हुआ है, अब वो लकड़ियां काटने या बटोरने जो भी काम के लिए गया होगा, तो अपना टिफिन ले जाना भूल गया है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम में से क्या कोई एक मेरी मदद करके ये काली रिजर्व फॉरेस्ट में उसके बेटे को टिफिन पहुंचा सकता है। ये दूसरी प्रॉब्लम थी। अब तीसरी आती है कि जब तक ये चीज हो रही है तो आदमी को पता चलता है, मतलब वो जो टी जो हेल्पर होता है, जो टी स्टॉल पे हेल्पर होता है, उसके पेट पे चाय गिर जाती है। ये तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम क्या है कि उस बूढ़ी औरत ने एक और चीज कही कि ये जो काली विलेज है इसका जो सरपंच है वो फेरी पॉइंट
पे जाएगा और वहां से एक बोट लेगा और यहाँ आते आते जो रायसा विलेज है, रायसा विलेज में डाकू लोग बैठे, गूंस बैठे हुए हैं जो सरपंच की बोट को उल्टा देंगे और उसे मार के डुबा देंगे। ये टोटल 4 प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको मैं और चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये आपको दिख रही है कच्ची रोड, ये मोटरेबल कच्ची रोड है, मतलब कि यहाँ पे गाड़ी ये सब जा सकती है। और ये आपको बोल्ड में दिख रहा होगा, यहाँ मैं लिखना भूल गया, मोटरेबल रोड है, मतलब पक्की सड़क जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी घोड़ा सब कोई जा सकता है। इस कच्ची रोड पे गाड़ी घोड़े भी जा सकते हैं, बट कच्ची रोड है। और यहाँ आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, सिंगल डॉटेड लाइन, ये क्या है, पगडंडी, लाइक नॉन मोटरेबल रोड, यहाँ पे फोर व्हीलर्स ये सब नहीं जा सकते, मतलब साइकिल वगैरह ये सब जा सकती हैं। तो यहाँ से आप ये चीज देखो, माली जो है 25 किलोमीटर दूर है, बीजापुर मोटरेबल रोड से 21 किलोमीटर दूर है, रिवर से 21 किलोमीटर दूर है, यहाँ रामपुर 45 किलोमीटर दूर है अगर रिवर से जाएंगे, और रामपुर 30 किलोमीटर दूर है अगर हम मोटरेबल रोड से जाएंगे। और ये जो जीपीई है वो 21 एसएसबी की है, मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो जो मेरा सोल्यूशन था, आप चाहो तो अपना सोल्यूशन लिख सकते हो। और वहाँ पे स्केल जो था 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर था, तो मैंने वहाँ नीचे एक ना स्केल भी बना हुआ था, तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि इतनी मेरी फिंगर है, मतलब छोड़ो वो, तुम छोड़ो फालतू है वो। तो जो मैंने सोल्यूशन दिया था, मैंने सोल्यूशन ये दिया था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या कहते, एक मिनी वैन, एक मोटरसाइकिल, एक ड्राइवर जो उस मिनी वैन को चला रहा है, और थोड़े बहुत गाइडेंस जो उन बंदों ने दी थी हमें। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए, वो जो टी स्टॉल पे जो बंदा है जिसके ऊपर चाय गिर गई थी, उसे हमें हॉस्पिटल ले जाना है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे रायसा विलेज है, तो हमने सबसे पहले उस बंदे को मिनी वैन में डाला और हम उस मिनी वैन में 5 लोग बैठ गए। यहाँ तक बात क्लियर है? आप कहोगे 5 लोग क्यों, बताता हूँ। मिनी वैन को हम ले गए रायसा विलेज में, 2 लोग उस इंजर्ड आदमी के साथ रहे, 1 आदमी जाके रायसा विलेज में पुलिस को बता दिया कि यहाँ पे गूंस है जो पंचायत की विलेज को, वो सरपंच की बोट को फ्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ये हो गए, मतलब 3 ये हो गए, और 2 लोग फिर उसी मिनी वैन में बैठ के कच्ची रोड से होते मार्शी वेल में गए, और जहाँ पे उनने उन बच्चों को बचा लिया, उस बच्चे को बचा लिया। ये बात क्लियर होगी, 2 प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। अब बची बाकी 2 और प्रॉब्लम, जो कि थी 1 सरपंच की जान। तो जब हमने बाइक उठाई और बाइक पे 2 लोग बैठ गए, जो 2 लोग गए, एक ने यहाँ इंटरसेक्शन पे जो विलेज के सरपंच है, या विलेज में जाके उस सरपंच को इन्फॉर्म किया कि आप फेरी पॉइंट पे ना जाए, वरना यहाँ पे रायसा विलेज में गूंस इंतजार कर रहे हैं, और काली विलेज के पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया एक बंदे ने। और एक बंदे ने क्या किया, काली रिजर्व फॉरेस्ट में जाके उस बुढ़िया के बेटे को टिफिन दे दिया। ये मेरा पर्सपेक्टिव था, बाकी आप चाहो तो अपना पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हो, वो मैंने अपना पर्सपेक्टिव यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिखने बैठता फिर आप लोग उसी वही माइंडसेट पे सोचते, अच्छा ऐसे 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 करना है। आप चाहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में भी इसका सोल्यूशन जो अभी मैंने बोला वो रिसाइड करके दे दूंगा, बाकी आप इससे गो थ्रू हो जाओ कि इन 2 पॉइंट, मतलब इन 2 स्लाइड, मैंने सिर्फ 2 ही स्लाइड बनाई थी कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको पता चल जाए कि अभी करंट में क्या जीपीई आया है। सो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं अगली।